हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 11th में आपका चैप्टर चल रहा है जो कि है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले फाइलम्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनके स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ शब्द उसके इंट्रोडक्शन में बार बार आ रहे थे, जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसको मैं क्लियर कर चुकी हूँ। टू चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट और फोर चैम्बर्ड हार्ट, जो ये कॉन्सेप्ट आ रहे थे बार बार, उनको भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। सीलोमेट क्या होते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो अब चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और एक आधा जो हम लोगों का बचा है वो फाइलम, उसके बारे में बात कर लेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जो दो डिविजन्स हैं, एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी कि जिसमें जबड़े रहित और जबड़े सहित दो कैटेगरीज हैं, डिविजन्स हैं, जिसमें आपका नेथोस्टोमेटा में पिसीज और टेट्रापोडा आते हैं, जिनमें लिम्स पाए जाते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज भी पाए जाते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको समझते हुए आगे हमारा टेट्रापोडा में चार सब फाइलम हैं। कौन कौन से क्लासेस हैं? एक तो है एम्फीबिया, क्लासेस है आपका रेप्टिलिया, डिवीजन के बाद क्लास आती है, तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमिलिया, इन चारों क्लासेस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस और कैटलाफिश जो आती है वो आपका मैरीन कैटेगरी में, ऑस्टिक्थीज में, उसको आपने पढ़ लिया है। पिसीज हम जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका ऑस्टिक्थीज में समुद्री घोड़ा आया था। तो पिसीज पढ़ने के बाद अब हमको साइक्लोस्टोमेटा, है ना, साइक्लोस्टोमेटा हम पढ़ चुके हैं, जिसमें गिल्स के बारे में बताया गया था। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, हैगफिश और पेट्रोमाइजोन उसका एग्जाम्पल है। कॉन्ड्रिक्थीज में आपको बताया गया था कि उनका हैबिटेट मैरीन होता है, दे आर कार्टिलेजिनस, एंडोस्केलेटन और स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब ऐसा आकार जिसमें आगे की तरफ पतला होगा, पीछे की तरफ पतला होगा और बीच में मोटा होगा, जैसे किसी एक नाव का आकार होता है, उसको स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उसमें क्या थे, गिल्स थे, और वो उनको क्या है कि कंटिन्यूअस स्विम करना होता है ताकि वो सिंक ना कर जाएं, क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि उसमें एयर ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है। हार्ट जो है वो टू चैम्बर्ड होता है, ये मैंने आपको बता दिया था कि वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल जो है उसमें प्रेजेंट होता है। कुछ इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो में, ठीक है, और कुछ में पॉइजनस स्टिंग होती है, जैसे स्टिंग रे। दे आर पॉइकिलोथर्मस, पॉइकिलोथर्मस का मतलब है कि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, दे आर डायोशियस, पेल्विक फिन्स उसमें क्लास पर पाया जाता है। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो विवीपेरस होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो ओविपेरस होते हैं। डॉगफिश इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ऑस्टिक्थीज में हमने बात करी थी कि इनका हैबिटेट जो है वो मेरीन भी है और फ्रेश वाटर में भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। मेंबर्स है बोनी एंडोस्केलेटन एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडी विद माउथ टर्मिनली प्लेस्ड, ठीक है। बॉडी स्केल्स से कवर्ड होती है। पेयर्स जो है, चार पेयर्स ऑफ ओपरकुलम पाए जाते हैं, गिल्स के चार जोड़ी पाए जाते हैं जो ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं, ठीक है। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है और इसका एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस, जिसको आप सी हॉर्स कहते हैं, और फ्रेश वाटर में लेबियो या रोहू मछली पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एम्फीबिया के बारे में, क्लास एम्फीबिया के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और इनमें क्या क्या पाया जाता है। तो एम्फीबिया शब्द जो है वो आपका एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल लाइफ,
एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल लाइफ, या कह सकते हैं एक ऐसी लाइफ जिसमें दो तरीके का जीवन जीते हैं ये लोग। जो एम्फीबियंस होते हैं वो दो तरीके का जीवन जीते हैं। एम्फीबियंस का मतलब ही है कि ड्यूअल प्लस बायोस, यानी कि ड्यूअल लाइफ, है ना। इनमें जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स जल और थल दोनों में रह सकते हैं। आपने बहुत छोटी क्लास से ही एम्फीबियंस के बारे में, उभयचर प्राणियों के बारे में पढ़ा है कि ये जल और थल, जल और स्थल दोनों में ही रह सकते हैं इनके एनिमल्स। तो इनका हैबिटेट क्या हो गया, इनका हैबिटेट हो गया कैन लिव बोथ इन वॉटर एंड ऑन लैंड, जल में भी रह सकते हैं और पृथ्वी पर भी रह सकते हैं। इनमें अधिकतर दो जोड़ी लिम्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें अधिकतर दो जोड़ी लिम्स पाए जाते हैं। बॉडी डिविजिबल इंटू हेड एंड ट्रंक विद टू पेयर्स ऑफ लिम्स, टेल में भी प्रेजेंट इन सम। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें पूंछ पाई जा सकती है और कुछ ऐसे हैं जिनमें पूंछ हो सकता है ना पाई जाती हो, ठीक है। इनकी जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। किसमें डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। और एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस की जो त्वचा होती है बच्चों, वो नम होती है और इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो त्वचा होती है वो नम होती है, इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। एलिमेंट्री केनाल, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन ओपनिंग कॉल्ड क्लोएका ऑन द एक्सटीरियर। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जिसमें एलिमेंट्री केनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो एक कॉमन चैम्बर में खुलती है, जिसे क्लोएका कहते हैं, और ये बाहर की ओर खुलती है, ठीक है। इनकी आंखों पर आईलिड्स पाए जाते हैं। स्किन एम्फीबियंस की, क्योंकि ये जल में भी रह सकते हैं, इसलिए एम्फीबियंस की जो स्किन है, स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है लेकिन उसमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। आईज हैव आईलिड्स एंड ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। आईज जो है उनमें आईलिड्स पाई जाती है और इनमें कान की जगह पर टिम्पैनम पाई जाती है। तो टिम्पैनम ये वर्ड आपको लर्न कर लेना होगा कि इनमें कान की जगह पे टिम्पैनम पाई जाती है। जब आपको एम्फीबियंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो आप अपने माइंड में एक मेढक को सोच के चले, है ना, माइंड में मेढक को सोच के चले, क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो राना टिग्रीना मेढक है। राना टिग्रीना जो 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, वो बड़ा सा मेंढक होता है, उसका एग्जाम्पल अगर आप लेके चले मेंढक के बारे में सोचे तो आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो रिलेटिव लगेंगे उससे, क्योंकि मेंढक जो है वो एम्फीबियंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैन बी बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन, तीन तरीके से इनमें श्वसन की प्रक्रिया हो सकती है। या तो श्वसन की प्रक्रिया गिल्स से हो सकती है, या श्वसन की प्रक्रिया लंग से भी हो सकती है, या श्वसन की प्रक्रिया स्किन से भी हो सकती है। अब हार्ट की बात करेंगे, इनके हार्ट कैसा होता है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, उसमें क्या क्या होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। फिर क्या होते हैं, ये वर्डिंग्स को लर्न करना है बच्चों। पॉइकिलोथर्मस, पॉइकिलोथर्मस का मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। पॉइकिलोथर्मस का मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर बहुत देर तक चेंज नहीं कर सकते परिस्थिति के अनुसार। रिप्रोडक्शन इसमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बिकॉज सेक्सेस आर सेपरेट। और फर्टिलाइजेशन जो है वो पाया जाता है आपका एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, यानी कि अंडप्रजक होते हैं, और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
ठीक है, तो एम्फीबियंस के बारे में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आपने जान लिए। एक तो डुअल लाइफ शो करते हैं ये, है ना। इनके एनिमल्स जो हैं वो जल में थल में दोनों तरह से रह सकते हैं। इनमें दो जोड़ी लिम्ब्स पाए जाते हैं। बॉडी इनकी, जब भी मैं बात करी हूँ, हमेशा किसी भी क्लास के बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो उसके एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए अगर रिलेट करके आप पढ़ते हैं तो आपको फीचर्स जो हैं वो उस क्लास के अच्छी तरह से याद हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें अब अगर आप 5-6-7 पॉइंट्स तक लिख पाते हैं तो इसका मतलब आपका क्लास जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। आप हैबिटेट के बारे में लिख लीजिए, बॉडी कैसी होती है उसके बारे में लिख लीजिए अगर आपको याद है तो, आप हार्ट कैसा होता है उसके बारे में लिख लें, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम उस क्लास में कैसा पाया जाता है उसके बारे में लिखिए, फर्टिलाइजेशन कैसा पाया जाता है उसके बारे में लिखिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको ब्रीफ करना जरूरी है कि इस क्लास के बारे में आप इतने पॉइंट्स लिख लीजिए तो आपका वो क्लास का डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है एक्सटर्नल टाइप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे तो आप इसकी इसको ब्रीफ में अच्छी तरह से लिख पाएंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि मेल और फीमेल में क्या होती है कि फीमेल जो है वो अंडे पानी में छोड़ देती है और मेल स्पर्म छोड़ देते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर होता है, बॉडी के बाहर, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत सारे अंडे ऐसे हैं जो फर्टिलाइज नहीं हो पाते और बहुत सारे स्पर्म्स भी जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। दे आर ओविपेरस यानी कि अंड प्रजक प्राणी होते हैं, ये अंडों का उत्पादन करते हैं। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट पाया जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है एम्फीबियंस का बूफो, टोड, राना टिग्रीना जिसका पूरा नाम है राना टिग्रीना फ्रॉग, और सेलामेंड्रा यानी कि सेलामेंडर, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कौन कौन सा एग्जाम्पल है, बूफो जिसको टोड कहते हैं सामान्य नाम उसका है, राना टिग्रीना साइंटिफिक नाम है जो उसका सामान्य नाम है फ्रॉग, और हाइला जो ट्री फ्रॉग है, जो ट्री फ्रॉग है हाइला उसका नाम है, सेलामेंड्रा उसका नाम है, एक सेलामेंडर है और इक्थियोफिस है लिम्बलेस एम्फीबिया। इक्थियोफिस है जो वो लिम्बलेस एम्फीबिया है। तो बच्चों एम्फीबिया कंप्लीट हुआ है, जिसका एग्जाम्पल आपका राना टिग्रीना है, बूफो है, टोड सेलामेंड्रा है, सेलामेंडर। तो अब जो है आपको पढ़ना है रेप्टिलिया के बारे में, क्लास रेप्टिलिया। तो जब रेप्टिलिया की बात होती है तो आपके दिमाग में एकदम आ जाता है कि ऐसे प्राणी जो लोकोमोशन जिसमें है वो इस तरीके से होता है कि वो जमीन को छोड़ नहीं सकते, उनमें लोकोमोशन जो होता है वो कुछ इस तरीके के होता है कि वो जमीन को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। किस क्लास में आते हैं, रेप्टिलिया की क्लास में, रेप्टिलिया की कैटेगरी में वो आते हैं। किस क्लास में आते हैं, रेप्टिलिया की कैटेगरी में आते हैं। अब इनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कि जो इसका मेन इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि ये जमीन को छोड़ नहीं सकते अपनी गति के लिए या अपने लोकोमोशन के लिए, ठीक है। तो लैटिन शब्द में जो रेप्टम शब्द है, रेप्टम का मतलब है सरकना या रेंगना। रेप्टिलिया जो क्लास का नाम आया है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, तो लैटिन में रिपेयर या रेप्टम इसका अर्थ होता है रेंगना या सरकना। तो अगर ये कहें कि मेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपका रेंगना या सरकना या टाइप ऑफ लोकोमोशन, किस तरीके से इनका लोकोमोशन होता है उससे डिसाइड होता है इसका नाम। हैबिटेट यानी निवास स्थान इसका कैसा है, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, यानी कि ये अधिकतर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं या थलीय जंतु होते हैं। थलीय का मतलब जो जमीन पे रहने वाले जंतु हैं वो थलीय जंतु होते हैं, लेकिन
हर जंतु जो रेप्टाइल होगा वो थलीय होगा ऐसा एकदम निश्चित नहीं है। कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे हैं जो उभयचर भी हैं, जो आपके जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, लेकिन मोस्टली टेरेस्ट्रियल का मतलब अधिकतर थलीय जंतु होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? इनका शरीर सूखी और कॉर्निफाइड त्वचा से घिरा हुआ होता है। इनका शरीर जो है वो सूखी और कॉर्निफाइड त्वचा से घिरा हुआ होता है, और उस कॉर्निफाइड त्वचा को क्या कहते हैं? स्केल्स या स्क्यूट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मतलब ये आपको देखने में रूखे सूखे से दिखाई पड़ेंगे। बॉडी कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद इनमें क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर्स नहीं पाए जाते हैं और टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। तो एक्सटर्नल ईयर्स आपका एम्फीबियंस में भी नहीं पाए जा रहे थे, उसमें भी क्या प्रेजेंट था? कान की जगह पे टिम्पैनम प्रेजेंट था। तो एम्फीबियंस में भी और रेप्टिलिया में भी क्या प्रेजेंट होता है? टिम्पैनम प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ईयर्स की जगह पे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स और प्रेजेंट क्या होता है? टिम्पैनम प्रेजेंट होता है इनमें। क्या प्रेजेंट होता है? टिम्पैनम इनमें प्रेजेंट होता है। पेयर्स जो हैं अगर प्रेजेंट होंगे तो टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे, अगर प्रेजेंट होंगे तो टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे। ईयर का काम टिम्पैनम करती है, इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते हैं। इनमें लिम्स होते हैं जो दो जोड़ी में होते हैं, दो पेयर्स में होते हैं। अब किसी भी क्लास के बारे में, किसी भी फाइलम के बारे में जब आप लिखना शुरू करते हैं तो मैंने आपको तीन चार चीजें बताई कि उनका आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। एक तो उनकी त्वचा कैसी होती है, उनमें कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो कैसा है, हार्ट कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है ना, उसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वो ओविपेरस होते हैं या विविपेरस होते हैं, और कुछ एग्जांपल्स उस क्लास के आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो हार्ट इसमें रेप्टिलिया में हार्ट कैसा होता है? हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड बट इट इज फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। देखो एक्सेप्शन आ गया, थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है सारे रेप्टाइल्स में, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल जिसमें क्या है? फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ठीक, तो ये आपको लर्न करना होगा कि हार्ट के मामले में सारे रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जिसमें दो ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और क्रोकोडाइल वाला जब केस आएगा तो वो एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स के अनुसार, उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। दे आर पॉइकिलोथर्मस, पॉइकिलोथर्मस का मतलब दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, अब स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। ठीक है, यानी जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप होते हैं और जो छिपकलियां होती हैं, वो अपनी स्केल्स को छोड़ देते हैं स्किन कास्ट के रूप में, यानी पूरा का पूरा त्वचा जो है, जो बाहरी त्वचा है वो शेड ऑफ हो जाती है, पूरी की पूरी त्वचा छोड़ देते हैं और नया शरीर बाहर निकल आता है। मतलब अंदर का जो शरीर है वो बाहर की त्वचा को छोड़ सकता है पूरे की पूरी। ठीक है, उसको सांप का, गांव में सांप का केचुल कहते थे, या आउटर स्किन कह सकते हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, यानी कि स्किन को वो जैसे कपड़े, जैसे आप अपने कपड़ों को छोड़ सकते हैं, उसी तरह से स्नेक्स जो है वो अपनी आउटर स्किन को शेड ऑफ कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं, और उनका शरीर जो है वो बाहर निकल आएगा, आउटर स्किन जो है वो छोड़ी जा सकती है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है? इसमें रिप्रोडक्शन जो है उसमें सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल दोनों बॉडीज डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल,
लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा. रेप्टाइल्स आर ओविपेरस, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, लेकिन रेप्टाइल्स जो हैं वो अंडे देने वाले होते हैं, अंडप्रजक प्राणी होते हैं. तो क्लास वाइज आप देख रहे हैं कि कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में जो है वो अपग्रेड होते जा रहा है. जब आप मैमल्स पे पहुंचेंगे तो मैमल्स में फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होगा और वो विविपेरस होंगे, यानी कि वो अपने जैसे संतान को जन्म देने वाले होंगे. अब इसमें डेवलपमेंट जो है वो कैसा होगा, कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है, तो डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स रेप्टाइल्स के कौन कौन से हैं आप सबको पता है, केवल कुछ नाम आपको लर्न करने हैं साइंटिफिकली, क्योंकि साधारण जो सामान्य नाम है वो सब आपको पता है. एक तो है कैमेलियन, कैमेलियन जिसको ट्री लिजर्ड कहते हैं, या हिंदी में इसको गिरगिटान भी कहते हैं, जो पेड़ों पर उसके रंग के अनुसार अपना रंग बदलती रहती है उसको क्या कहते हैं, गिरगिटान कहते हैं, और कैमेलियन भी होता है. तो ये लिजर्ड की कैटेगरी में है. क्रोकोडिलस जो इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको सामान्य भाषा में क्रोकोडाइल कहते हैं, जिसको मगरमच्छ भी कहते हैं. टेस्ट्यूडो टॉर्टोइज का साइंटिफिक नेम है, तो टेस्ट्यूडो के बारे में आपने जाना. ठीक है, आपका स्नेक्स में विपेरा, वाइपर स्नेक्स है, कराट स्नेक्स है, कोबरा है, पॉइजनस स्नेक्स भी ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, और वॉल लिजार्ड है, एलिगेटर है, क्रोकोडाइल है. हर वो जंतु जो जमीन को लोकोमोशन के टाइम पे छोड़ता नहीं है, या ये कह सके अपराइट मूवमेंट नहीं कर सकता, खड़े होकर नहीं चल सकता, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही. अगली क्लास में हम एवीज के बारे में और मैमल्स के बारे में जान लेंगे. उसके बाद फिर हम अलग अलग किंगडम और फाइला में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसको चार्ट के माध्यम से समझेंगे. तो आज की क्लास में हम इनके एग्जांपल्स को आप लर्न करेंगे. बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने रेप्टिलियन और एम्फीबियंस के बारे में जान लिया. एम्फीबियंस के बारे में मैंने आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया कि वो आपके दो जीवन जीते हैं, थल पे भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं. रेप्टाइल्स के बारे में सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनका ये है कि वो अपराइट लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, ये जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं. उनके एग्जांपल्स को आप लर्न करेंगे, साइंटिफिक नेम्स को भी जानने की कोशिश करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.